ए मेरा फोन मत गिरा लेना दोस्तों। बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न खाने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। अबे जैसा कि आपने देखा रोड फ्रैक्चर हो चुका है। गाइस देखिए मेरे घर की हालत। गाइस ये घर नहीं है, वो घर है, मतलब मेरे घर के सामने की हालत। गाइस गाय ने फिर से यहाँ टॉट्टी कर दिया। गाइस खैर रोड चौड़ी होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, फिलहाल बाढ़ आने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो रंग के पानी है, एक एकदम काला, एक थोड़ा कम काला। अबे वो हरा है, वही काला। हट, तो दोनों अलग अलग है फिर भी साथ में मिलके चल रहे हैं दोस्तों। ए मेरा फोन मत गिरा लेना दोस्तों। आप देख सकते हैं काफी अच्छी शाम है, हमारे पीछे बहुत सारे लोगों का अलग अलग काम है, गाड़ियां जा रही हैं मगर रोड पे फिर भी नहीं जाम है। भैया आपको बाइक हमारी पसंद आ गई क्या? बहुत सही, ये घास और गाड़ी, अरे मतलब गाड़ी और घास दोनों एक ही रंग के है। तीली ही गिर गई। खोल के तो नहीं रखे हो तुम गए, पता चला तीली लगा भाग से बाहर आ जाए। अभी वो तीलिया समेट रहा है और ये इधर से गाय गुजर रही है। What kind of तीली is this? बारिश का प्रकोप जल गया, चल गया। ये बटन किस लिए है? मोटर अबे ऊपर लगा घुमाने के लिए। वाह गिरेगा क्या? बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न खाने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। अबे तुम्हारा फोन आ गया, जस्ट बाहर निकले हो, ये आग जलती रहेगी। अभी मैं अपने गांव से वापस आ रहा था एंड लुक एट द मौसम, इट्स वेरी ठंडा ठंडा कूल कूल, बट मेरे पैसे ज्यादा खर्च हो गए बेफिजूल। हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरी, हरे हरे पेड़, खाली हाईवे, बगल में बादल लगे हुए हैं, बारिश आने का संभावना है इस खाली सड़क पर एक DCM जाते हुए। खैर हम भी निकलते हैं, हमें घर पहुँचना है जल्दी। तो गाइस बस एंट्री हमारी हो चुकी है। राप्ती नदी जो है पूरा उसका वाटर लेवल एकदम ऊपर आ चुका है, बाढ़ की संभावना है। गूगल वाले रोज सुबह इसके पास क्या नोटिफिकेशन देते रहते हैं, घर खाली करके भाग जाओ। बस थोड़ी सी और बारिश होगी तो आपदा आ जाएगी। गाइस एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी आप सभी लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब कमेंट्स में मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगते हो, जाहिर सी बात है बात ही करना चाहोगे एडमिशन से रिलेटेड, एमयू से रिलेटेड। मुझे पता है मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि कोई मुझसे पर्सनली बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया कि भाई मुझे आपसे बात करनी, मुझे पता है सब काम के लिए नंबर मांग रहे हैं, बट मैं नहीं दे सकता नंबर। बहुत एक स्ट्रांग सा रीजन है कि प्राइवेसी कंसर्न तो पहली चीज है, दूसरी चीज ये बहुत ही अनप्रोफेशनल सी चीज है कि एक कोई क्रिएटर है यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है और आप उससे रिक्वेस्ट करो भाई नंबर दे दो। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है एमयू के रिलेटेड, एमयू के एग्जाम्स और एडमिशन पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड मेरे पास कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नंबर लेकर भी कोई फायदा होगा नहीं आपको। वैसे तो मैं दूंगा नहीं मगर आपको अगर मिल भी जाता तो कोई फायदा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो थोड़ी बहुत मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती वो ऑलरेडी मैं हर बंदे के कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ। किसी ऐसा का नहीं है कि किसी को बायकॉट कर दो, अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन रहता है या वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है जिसके मैं पहले जवाब दे चुका हूँ उसी को मैं बस अननोटिस करता हूँ, बाकी सारे जितने कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई करता हूँ। आपको कोई अगर इशू है कोई कंसर्न है तो आप कमेंट कर दो, अगर मेरे सहूलियत में होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना बोल दूंगा कि अल्लाह वाला मुझे उसका इल्म नहीं है। बाकी आजकल तबीयत नहीं सही है, वायरल फीवर फैला हुआ है तो आप लोग भी बच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, बस हाथ दर्द हो गया पकड़े पकड़े फोन। बातचीत के लिए इस व्लॉग को मैंने स्पेशली बनाया है, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बनिए हमारे फैमिली में भागीदार, जल्दी बनिए। एक बहुत खड्डे वाले रोड नहीं, यू नीड टू टेक राइट। धीरे चल, वो हम लोग को बोले खुद ही अपना चीटा मार रहे।
आ जाओ टेक टू खचा। टेक टू में हम लोग वापस आ चुके हैं दोस्तों। Why the hell are you laughing this much? रोशनी सूरज वगैरह चल रहा है। बाइक दे रहा है।